नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य और तमाम वैसे शिक्षक जो विद्यालय से या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप सब सुन रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे देश के स्वास्थ्य के विषय में चिंतित हैं। आपको ऐसा शायद लगता होगा कि शिक्षा के विषय में क्या हो रहा है। मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री स्वयं हमारे माननीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ मिलकर के बात कर रहे हैं और वो चिंतित हैं कि हमारे विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने और उनके परीक्षा का क्या होगा, समस्याओं का समाधान हो रहा है और तमाम ऐसी चीजें की गई हैं जिसके माध्यम से आप शिक्षा से जुड़ सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अपने तमाम पोर्टल डेवलप किए हैं। दीक्षा पर आप जाएं, दीक्षा पर सारा मटेरियल रखा गया है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सारा पाठ्यक्रम स्वयं प्लेटफॉर्म पर रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, और स्वयं प्रभा पर तमाम ऐसे लेक्चर्स सुनाए जा रहे हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपको ज्ञान मिलेगा। और ये सारे चैनल लाइव DTH चैनल स्वयं प्रभा पर आ रहे हैं जो आप देख सकते हैं। इन सब के बारे में विस्तृत से जानकारी NIOS के वेबसाइट www.nios.ac.in पर रखा गया है। आप NIOS का वेबसाइट देखें और पता करें कि कब किस चैनल पर कौन से लेक्चर सुनाए जा रहे हैं या शिक्षक बैठे आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहे हैं। जहां तक परीक्षा का प्रश्न है, चिंतित ना हो, अभी गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी तो आप ऐसा मान के चलें कि गर्मी की छुट्टियों में आप घर पे हैं। मैं माता पिता अभिभावकों से यह आग्रह करना चाहूंगा, ऐसा मत सोचें कि अगर आपका बच्चा घर पे है तो 12 घंटे पढ़ता रहे, 3-4-5 घंटे पढ़ना काफी है। इसलिए बच्चों को ज्यादा परेशान न करें, जैसा वो पढ़ते हैं पढ़ने दें। थोड़ा समय वेबसाइट से पढ़ें, थोड़ा समय TV पर लेक्चर सुने और थोड़ा समय अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपने शिक्षकों से या दूसरे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं टेलीविजन पर उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लगातार आपके दरवाजे तक आकर के आपके बच्चों का पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है और उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आप इसकी चिंता न करें। और बारी बारी से ये प्रश्न ना पूछे कि हमारे बच्चे का क्या होगा। प्रधानमंत्री चिंतित हैं, हमारे माननीय मंत्री जी चिंतित हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं और हम सब इसका समाधान निकालेंगे। आपको मैं केवल यही आश्वस्त करना चाह रहा था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।